नागपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दौरा किया, साथ ही बाढ़ पीड़ितों से भी उन्होंने मुलाकात की। नागपुर के बाढ़ प्रभावित अंबाझरी इलाके का गडकरी ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से जलभराव और बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए उपाय की अपील की। अलग अलग एजेंसी ने अपने को जितना करने का उतना किया हुआ, पर अब इसको इंटीग्रेटेड अप्रोच में लॉन्ग टर्म पर ये प्रॉब्लम ना आए, इसका अध्ययन करके टेक्निकली इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा हूं। दरअसल भारी बारिश से अंबाझरी झील लबालब भर गई, इससे आसपास के निचले इलाकों में पानी भर गया। महाराष्ट्र के कई जिलों में हो रही मूसलाधार बरसात से लोगों का हाल बेहाल है। नागपुर में पिछले दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाढ़ वाले इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं और अब तक 500 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। साथ ही सेना को भी राहत बचाव के लिए बुलाया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने नागपुर समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है। विदर्भ के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बरसात हुई, साथ ही मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। और उस बीच गुजरात के वलसाड में हम सफर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में अचानक आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया। बताया गया कि वो ट्रेन तिरुचिरापल्ली जंक्शन से श्रीगंगानगर जा रही थी। जैसे ही वो हमसफर सुपरफास्ट ट्रेन गुजरात के वलसाड पहुंची तो ट्रेन के जनरेटर में भीषण आग लग गई, जिसके बाद देखते ही देखते ट्रेन के जनरेटर वैन से आग की लपटें निकलने लगी, जिसकी वजह से ट्रेन को रोकना पड़ा और ट्रेन में आग लगने की खबर से हड़कंप मच गया। ट्रेन के यात्री दहशत की वजह से अपनी जान बचाने के लिए रेलवे ट्रैक पर आ गए। यात्रियों को सुरक्षित करने के लिए जनरेटर वैन से यात्री कोच को अलग कर दिया गया। आग की सूचना पर बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। काफी देर बाद उस जनरेटर वैन को हटाकर नए जनरेटर वैन के साथ उस ट्रेन को रवाना किया गया।